कोरोना वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभाव के लेके चर्चा बनी है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, पहले दिन से हम कह रहे थे कि मोदी जी सिर्फ प्रचार के लिए सारा काम कर रहे हैं, इसका नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा। अब उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। मैं तो चाहता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान ले और स्वतः संज्ञान लेके इस पर कठोर कार्रवाई करे। अपराध करने वाले चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जो अपराध करेगा, जिसने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की है, जिसने अपने निजी स्वार्थ में लोगों को दुख से धोखा दिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप नगीना से लड़े हैं, पार्टी को और अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखो जी, पार्टी तो अपना काम कर रही है, सिर्फ चुनाव लड़ना ही पार्टी काम नहीं है, जनता के हितों के लिए लड़ना, उनके मुद्दों पर आवाज़ उठाना, पूरे 5 साल संघर्ष करना, ये पार्टी काम है। जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगना है पार्टी काम है। वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी लंबे समय से कर रही है। रही बात चुनाव की, एक छल हो गया हमारे साथ, हमें ये एहसास था कि भाई हमें मिलकर लड़के भाजपा को रोकना है, लेकिन जो भाजपा को रोकने की बात कर रहे हैं उन्होंने कुछ ऐसा काम करा नहीं और उन्होंने हमें जो है नुकसान पहुंचाने का काम करा। तो पूरी पार्टी को मिलकर पहले नगीना लड़ना पड़ा। अब पार्टी जो भी फैसला लेगी, कई सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतार रही है, पार्टी के अपने निर्णय हैं। मैं तो पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, जहाँ पार्टी ड्यूटी लगी वहाँ जाकर काम करूँगा, लेकिन नगीना जनता ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया, ऐसा विश्वास है कि नगीना बहुत अच्छे मार्जिन से आजाद समाज पार्टी जीती। कोरोना वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभाव के लेके चर्चा बनी है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, पहले दिन से हम कह रहे थे कि मोदी जी सिर्फ प्रचार के लिए सारा काम कर रहे हैं, इसका नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा। अब उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। मैं तो चाहता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान ले और स्वतः संज्ञान लेके इस पर कठोर कार्रवाई करे। अपराध करने वाले चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जो अपराध करेगा, जिसने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की है, जिसने अपने निजी स्वार्थ में लोगों को दुख से धोखा दिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? सब मेरे तो बढ़िया, कौन है बताओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, और भाई पार्लियामेंट का चुनाव लड़कर आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो जितने लोग प्राइम मिनिस्टर बने उनमें चौधरी चरण सिंह जी मेरी सबसे पहली पसंद है, कि उनका जो कार्यशैली थी उसका कोई तोड़ नहीं था। और रही बात, अब मैं माननीय काशीराम साहब बनते तो मैं मानता कि अच्छे प्राइम मिनिस्टर होते, बहन जी बनती तो मैं मानता कि अच्छे प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, और अब मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि अब के प्राइम मिनिस्टर हमने देख लिए और बाकी जनता को तय करना है। मेरे आपके हाथ में थोड़ा ही है, मेरे हाथ में हो तो मैं आजाद समाज पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनाऊँ।